दुनिया में सांपों की कमी नहीं। इस वक्त दुनिया में 2500 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ इतनी जहरीली है कि किसी भी जीवित को मौत के घाट उतार सकती है, पर कुछ सांप के काटने का एहसास भी नहीं होता। दुनिया में हर सांप अपने विशेषताओं से जाना जाता है। अपने आकार, जहर, रंग, रूप और गति के कारण सभी सांप चर्चित होते हैं। ऐसे ही दुनिया के 5 सबसे जहरीले सांपों की ये जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बार फिर से आपका स्वागत है द इंटरेस्टिंग ट्यूब में। नंबर 5, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है। रैटल स्नेक छोटे पंछी और जानवरों का शिकार करते हैं। रैटल स्नेक उनके पूंछ में स्थित खोखले हिस्से के कारण अपना नाम पाते हैं, और जब भी रैटल स्नेक को खतरे का एहसास होता है तो वो अपनी पूंछ हिलाता है और कंपन निर्माण होता है, जिससे वो शिकारियों को चेतावनी देते हैं। हालांकि रैटल स्नेक शिकारी, भेड़िए, बड़े सांप, अन्य प्रजातियों के शिकार होते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में रैटल स्नेक हर साल मानवों के कारण मारे जा रहे हैं। और रैटल स्नेक के आबादी वाले स्थान पे बनाए जाने वाले घर और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उनका विनाश हो रहा है। नंबर 4, ब्लैक मांबा। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में 4th पायदान पे आता है। ब्लैक मांबा का जहर जहाल होता है। ये सांप इनके स्पीड के लिए जाने जाते हैं। सांप 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ सकता है, मतलब ये सांप हर घंटा 16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर सांप किसी को काटता है तो 10 मिनट में उसके लक्षण नजर आते हैं, और अगर सही समय में इलाज ना मिले तो 12 घंटों में शख्स की मौत हो सकती है। सबसे लंबे सांपों में किंग कोबरा के बाद यही आता है। ब्लैक मांबा की लंबाई 2 मीटर के ऊपर रहती है, 4.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और इन सांपों का औसतम वजन 1.1 किलोग्राम होता है। नंबर 3, ब्लू करैत। बोनगैरुड कैनेडी इस नाम से जाने जाने वाला ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के लिस्ट में 3rd पायदान पर है। ये सांप दक्षिणी एशिया और खास करके इंडोनेशिया में पाया जाता है। ब्लू करैत में किसी भी किंग कोबरा से 12 गुना ज्यादा जहर होता है, जो किसी को मौत के घाट उतारने में सक्षम है। इन सांपों की कुल लंबाई 108 सेंटीमीटर होती है और पूंछ की लंबाई करीब करीब 16 सेंटीमीटर होती है। ये सांप भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरला में मिलता है। ये भारत के सबसे जहरीले सांप में से एक है, और हर साल लगातार ये सांप, इनकी आबादी इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीप पर बढ़ती जा रही है। नंबर 2, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये सांप इनलैंड टैपॉन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इनके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी जीवित को मौत के घाट उतार सकता है। इन सांपों का रंग भूरा है, इसलिए ये सांप जमीन पर रहते हमें जल्दी दिखाई नहीं देते। ये सांप हमेशा घने जंगलों में मिलते हैं। इन सांपों की औसतम लंबाई 1.5 मीटर होती है और 2.5 मीटर तक भी ये सांप बढ़ते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बहुत रंगों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये भूरे और पीले रंग में पाए जाते हैं। घर के चूहे इनके मुख्य शिकार बनते हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 60% सांप काटने के मामले को ईस्टर्न ब्राउन स्नेक जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1, इनलैंड टैपॉन। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसे वेस्टर्न टैपॉन भी कहते हैं। इनलैंड टैपॉन में इतना जहर होता है कि उनके जहर से 100 बड़े आदमी और 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं। अगर समय पे इलाज ना हुआ तो 30 से 40 मिनट में शख्स की मौत हो सकती है। ये सांप गर्म खून वाले प्राणियों का शिकार करते हैं। सांपों की लंबाई 1.8 मीटर होती है, जो 2.5 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं। ये सांप मौसम के अनुसार अपना रंग बदल सकते हैं, और सर्दी के मौसम में ये सांप ज़्यादा गर्मी सो